हेलो दोस्तों, आज के दिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको एक राजनीतिक मंच पर बोलना है, उस मंच के भी अपने रूल्स होते हैं, नियम होते हैं। वहां पर भी बोलने के लिए एक नेता के पास एक निर्धारित योग्यताएं होनी चाहिए। और पहली योग्यता कि लोकतंत्र के बारे में उसे कुछ एक बातों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, और शुरुआत में भी कैसे बोलना चाहिए। बेशक आप विपक्ष के बारे में कुछ विरोध कीजिए, बातें कीजिए, लेकिन उसका एक लहजा हो, और अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए भी आपके पास एक सुंदर लहजा होना चाहिए। आप ऐसे शुरुआत कीजिए अपने भाषण की कि सबसे पहले हमारे उच्चतम आदर्श सत्य शिव सुंदर से प्रेरित भारतीय लोकतंत्र के इस पावन मंच से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ग्रामीणांचल से पधारे समस्त युवाओं का, माताओं बहनों का अभिवादन करते हुए हमारी सभ्यता संस्कृति के संस्कार संजोए आयु से अनुभवी सम्मानित बुजुर्गों को चरण वंदन करता हूं। अब इसके बाद आप यहां पर ये बोल सकते हैं कि जो लोग मंच पर आपकी पार्टी के लोग बैठे हैं, दिग्गज बैठे हैं, उनके बारे में वहां पर आप बोलिए। लेकिन शुरुआत आपकी इतनी खूबसूरत होनी चाहिए, लोग मंच पर जब बोलना शुरू करते हैं तो पहले ही वो बोलने लग जाते हैं अपनी पार्टी के लोगों के बारे में। नहीं, आप पहले आम पब्लिक का अभिवादन कीजिए और ग्रामीणांचल से पधारे लोगों के बारे में कुछ बोलिए। उसके बाद आप अपने जो दिग्गज होते हैं, नेता होते हैं, उनका सम्मान कीजिए। और ये बातें जैसे वहां रख सकते हैं आपकी 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन भारतीय संविधान अंगीकार हुआ, भारत के हर नागरिक को राजनीतिक न्याय मिला, यानी राजनीतिक अधिकार मिला, नागरिक अधिकार मिला। अब्राहम लिंकन ने कहा कि प्रजातंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता का शासन है। यह सर्वदा स्वीकार किया गया कि लोकतंत्रीय व्यवस्था वह है जिसमें जनता की संप्रभुता हो। जनता जिस व्यक्ति को अपना संप्रभु बनाती है, सत्ता का ताज पहनाती है, उससे वह आशा करती है कि उसको पर्याप्त सुविधाएं मिले, चुनाव से पहले किए गए वादे पूरे हों। मगर जब वादे पूरे नहीं होते तो लोकतंत्र से जनता का विश्वास उठ जाता है। लोकतंत्र एक विशिष्ट प्रकार की शासन प्रणाली ही नहीं है, केवल सत्ता की कुर्सी पर बैठना ही राजनीतिक लोकतंत्र नहीं। लोकतंत्र एक नैतिक एवं मानसिक भावना का नाम भी है। लोकतंत्र जीवन का समग्र दर्शन है। और ये भी बात समझनी होगी कि लोकतंत्र में जनता ही सत्ताधारी होती है, उनकी अनुमति से शासन होता है, उनकी प्रगति ही शासन का एकमात्र लक्ष्य माना जाता है। सत्ता स्कूल है, नैतिकता है, शिक्षित समाज है। सत्ता न्याय में सच्चाई ईमान का ताज है। सत्ता स्कूल है, नैतिकता है, शिक्षित समाज है। सत्ता न्याय में सच्चाई ईमान का ताज है। जनता की अंतरात्मा की आवाज को सुन लिया जिसने, राष्ट्र की सर्वोच्च सत्ता पर उसी का राज है। और हम ऐसे सत्ताधारी बनेंगे और हम ऐसे सत्ताधारी बनेंगे और ऐसे ही लोकतंत्र के प्रहरी बनेंगे। आओ हम लोग देश को ऐसी राजनीतिक व्यवस्था से युक्त करें जिसमें ईमानदारी हो, जन कल्याण हो, जन धर्म हो, देश धर्म हो। तो दोस्तों, आप इस तरह से अपना भाषण दीजिए। इन बातों को उन भाषण में ऐड जरूर कीजिए, एक तरीके के साथ आप उसको प्रयास कीजिए। लोकतंत्र के बारे में जरूर आप बोलिए, आपका भाषण बहुत ही खूबसूरत होगा। और आप इसी तरह से अगर एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, राजनीतिक वक्ता बनना चाहते हैं, गांव के मुखिया बन चुके हैं, बनना चाहते हैं, आपको अच्छे से स्पीकिंग सीखनी है, तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। धन्यवाद।